बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अंजो की किचन में वेलकम। आज मैं बना रही हूँ चिकन हरियाली। चिकन हरियाली बनाने के लिए मैंने चिकन लिए 600 ग्राम, हरा धनिया एक गड्डी, पुदीना एक गड्डी, एक कप तेल है मेरे पास, और ज़ीरा है ये कुटा हुआ एक टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून, नमक 1.5 टी स्पून, 15 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, काली मिर्च 1 टीस्पून, दही है 1 पाव, और आधा कप पानी है। अच्छा, मैं सबसे पहले हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ब्लेंडर में पीस लूँगी, आधा कप पानी डाल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तीनों चीज़ें पीस ली हैं, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा पैन गरम हो गया, मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, 1 कप मेजरिंग कप है, 1 कप लिया मैंने तेल, थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी, और चिकन थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करनी है मुझे। छः सौ ग्राम चिकन लिए मैंने, गोल्डन सा फ्राई करेंगे। चारों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन सी फ्राई हो जाएगी तो फिर बाकी मसाले में डालूंगी इसमें। ये बहुत मज़े की अच्छी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा, और जल्दी बन जाती है ये। ये देखिए व्यूअर्स, ये गोल्डन कलर आ गया है चिकन पे, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, ये इस तरह से ऐसा कलर आ जाना चाहिए। दही 1 पाव, चूल्हा बंद कर दूंगी, पुदीना, हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें और नमक, तमाम मसाले डाल के इसको 1 घंटे के लिए मैं इधर ही रख दूँगी। अगर आपको थोड़ा देर से बनाना है तो फिर आप फ्रिज में रख दें इसको, मुझे जल्दी बनानी है तो मैं 1 घंटे के लिए इसको यहीं काउंटर पर रख दूँगी, और फिर 1 घंटे बाद मैं इसको बनाऊँगी। इसको ढक के इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 2 घंटे रखें, 4 घंटे रखें, या ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैरिनेट कर लिया था मैंने 1 घंटे, और इसको पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी। 50% तो ये फ्राई करने में चिकन गल गई है, बस ये पानी खुश्क हो जाए उसको थोड़ा सा भून के, और फिर मैं डिश आउट करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये भून रही है, और इसमें सारा पानी खुश्क हो गया इसका, तो मैं 5 मिनट भून के और फिर डिश आउट करूँगी। देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया इसमें, इसको भूनने में ये गल जाएगी। इसको मैं 2 मिनट बाद फिर मैं निकालती हूँ इसको डिश। देखें कितना अच्छा कलर आया है, सारा रोगन इसका आ गया है ऊपर भूनने में, मैं डिश आउट करूंगी इसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चिकन हरियाली तैयार हो गई है। मैंने 2 टेबल स्पून इस पर बटर डाल दिया, बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके ऊपर। गरम गरम सर्व करें और इसे ज़रूर बनाएं, इसमें हरे मसालों का और काली मिर्च का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, और बहुत ईजी जल्दी बनने वाली डिश है। और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करें,
और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।